मेरा नाम सोनू है। मैं अभी 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। जब मैं 11वीं क्लास में था तब मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ। वो बहुत ही क्यूट दिखती थी और उसका नाम मुस्कान था। मैं एक दिन स्कूल से घर आ रहा था तब मैंने मुस्कान को देखा पहली बार। उस समय मुस्कान शायद सेंटर जा रही थी। मैं तो उसके पीछे बिल्कुल पागल हो गया था क्योंकि मुस्कान को देखते 4 से 5 दिन हो गए थे। हर वक्त उसका चेहरा ही याद आता रहता था। तब मैंने एक दिन सोचा कि आज तो उसी जगह पर खड़ा रहूँगा जब तक कि वो नहीं आ जाए। मैं उस दिन शाम के 5 बजे तक उसी रोड पर खड़ा रहा। मैंने मुस्कान को पहली बार देखा परंतु उस दिन में मुस्कान नहीं आई। मैं बहुत उदास हो गया और मैं घर गया। फिर अगले दिन मैंने उसको स्कूल बस से आते हुए देखा और उसको देखते ही मैं बहुत खुश हो गया। फिर मैं हर समय सोचने लगा कि उससे बात कैसे करूं, परंतु मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं समझ आया। फिर मैंने किसी तरह से उसका नाम जाना और जल्द से घर आया। फिर मैंने मुस्कान को फेसबुक पर सर्च किया। जैसे ही मैंने फेसबुक सर्च में मुस्कान लिखा तो वहाँ सारी मुस्कान आ गई। मैं अब भी परेशान पड़ गया कि अब उसको फेसबुक पर कैसे सर्च करूँ। तो मैंने सोच लिया कि अब तो सभी आईडी को मैं चेक करना पड़ेगा कि अब उसको आईडी कौन सा है। तो मैंने आईडी चेक करना शुरू किया। फिर सिर्फ 8 से 9 आईडी के बाद मुस्कान की आईडी मिल गई। मुस्कान ने उसके आईडी पर खुद की पिक्चर लगाई हुई थी तभी मुझे मिल गई। मैं बहुत ही खुश हो गया था। फिर मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और 2 घंटे के बाद उसने मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तब मैंने उसे ऑनलाइन चेक करना शुरू किया। मुझसे लगभग 1 महीना हो गया बातें करते। वो सिर्फ अच्छा फ्रेंड मानती थी बट मैं उसको लव करता था। मैंने कोई बात सोचा कि उसको बोल दो आई लव यू, पर मैं डरता था कहीं बुरा ना मान जाए। वो मुझसे बात करना बंद कर दे। मुस्कान से बात करते मुझे 4 महीने की बीत गई। एक दिन मैंने किसी तरह से दिल की बात बता दी बट उसने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। मैंने उसको सॉरी बोला कि आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। तब रिप्लाई आया कि वो किसी और से लव करती है। ये बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए बट मैं फिर भी मुस्कान से बात करता था। उसके बाद हमें बात करते हुए 1 साल बीत गया और हमारे स्कूल के एग्जाम्स आ गए। एग्जाम खत्म होने के बाद 12th क्लास के लिए मुस्कान कहीं और चली गई।